काम की बात करो मोदी जी, उनकी बात को छोड़ो, काम की बात करो, देश के किसान की बात करो। वोट तो हमारे से लेनी है, आया ना लाइन पे। मैं बोल रहा हूँ कि हर 16 मिनट में बेटिया रेप हो रहा है, हर 32 मिनट में किसान सुसाइड कर रहा है, हर एक घंटे में एक नौजवान युवा जिसको पकौड़ा तलने के लिए बोला गया था वो सुसाइड कर रहा है। बड़े समाधान होंगे, किसी ने कहा था कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। और आपको आप पेट की बात करो, वोटी की बात करो, जेल में डाल यूएपी लगाएंगे सीधा। एक पत्रकार ने ट्विटर पे क्या लिखा था, त्रिपुरा इज बर्निंग, सच बोला था। 102 आदमियों पे यूएपी लगाया। वो कंगना राउत क्या बोल रहे, आपको पता है कि आजादी 2014 के बाद मिली है। गाली दे रही हो भगत सिंह को, वो गांधी जी को, सुभाष चंद्र बोस को, उस अशफाकुल्ला खां को, वो खुदीराम बोस को, प्रफुल्ला चाकी, 18 साल की उम्र में फांसी झूल गए, शहीदी दे गए। जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने एक बार कहा था कि भीड़ इकट्ठा करने से कानून वापस नहीं होते, हमने सुन ली थी बात, हो तो इसलिए हम देने कम बैठा रखे थे। हाँ देखो, ये स्पष्ट कर दूं मैं, किसी भी बड़े नेता ने, किसी भी मिनिस्टर ने, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने सरकार के ने ये नहीं कहा कि खालिस्तानी। और किसने कहा? भैया नेता होते कुछ भी बोलते रहते हैं। अच्छी बात कर रहे हो, वोट तो वो भी लेते हैं। प्रेसिडेंशियल फोरम हो, गवर्नमेंट अमेरिका है क्या? ये जो बाइडेन को वोट देते हैं हम। माननीय राजनाथ सिंह ने भगवान कहा था, वही बता नहीं बताते आप। माननीय राजनाथ सिंह ने किसानों को भगवान कहा था, वो क्यों नहीं बोलते आप? किसने कहा था? तो उसके खिलाफ क्या बोल रहे हैं? राजनाथ सिंह के बारे में कुछ गलत बोला? मैं गलत क्या कर, उसी बताइए ना आप साथ में। ये उनकी जिम्मेवारी बनती है, आपका कोई भी छोटा मोटा नेता जितने भी हैं, अगर कोई ऐसा बोले उसके खिलाफ कार्रवाई करो। वो कंगना राउत क्या बोल रहे, आपको पता है कि आजादी 2014 के बाद मिली है? गाली दे रही हो भगत सिंह को, गांधी जी को, सुभाष चंद्र बोस को, उस अशफाकुल्ला खां को, खुदीराम बोस को, प्रफुल्ला चाकी, 18 साल की उम्र में फांसी झूल गए, शहीदी दे गए। क्या पूरा मत सुना उसका, क्या बोला उसने? हाँ आप बता दो फिर क्या बोल रहा है, इससे आगे सुनने की बात नहीं है। अगर कोई बंदा ये बोल रहा है कि 2014 से पहले तो गुलाम था देश, तो सुनने की बात नहीं है। कितने एक्सप्लेनेशन दे लेंगे? उसने ये कहा, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मैं, उसने ये कहा है कि जो 14 मिली थी, जो 47 मिली थी, भीग थी, 14 में आजादी मिली, ये कहा है। तो फिर ये सही बोला, मैं वही में बोल रहा हूँ। सही था, आपको बताना आपको क्या लगता है? बता दिया मैंने तो, गाली दे रही है, गाली दे रही है, सबके सामने, सबके सामने खड़ा होकर दे रही है, और फ्रीली घूम रही है। और आपको आप पेट की बात करो, वोटी की बात करो, जेल में डाल यूएपी लगाएंगे सीधा। एक पत्रकार ने ट्विटर पे क्या लिखा था, त्रिपुरा इज बर्निंग, सच बोला था। 102 आदमियों पे यूएपी लगाया। यूएपी तो ऐसे मिल रहा कोई मंदिर का प्रसाद हो जाए। बताओ आप लोग क्या करने के लिए आए आज यहाँ पर, बताइए। समाधान करने आए हैं, हमारी रोटी बचाओ, रोटी का समाधान, रोटी की जगह पेट में होती है, रोटी का व्यापार नहीं होता, उसी के लिए आए हैं, उसी के लिए लड़ाई है, उसी के लिए लड़ते रहेंगे। लाइन पर आई है और आ जाएगी। लगता है ये जो किसान आए हैं, नेतागिरी, चेहरा चमकाने के लिए आए, इलेक्शन के टिकट मांगने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने आए? मैं फिर सिर्फ जिंदगी में, मैं, मेरा बाप, मेरे पूर्वज या जो भी आगे आने वाले पूछते, वोट देने आएगा? मैं नेता नहीं बन सकता? गलत क्या है? आतंकवाद का मतलब आतंकवादी वो होता क्या नेता? आप बताओ, अलकायदा जुआन थोड़ा ना कर रहे हैं? गलत क्या है? ये मानते हैं कि यहाँ पे जो किसान आए इनमें से बोलो इलेक्शन के लिए भी अपना चेहरा चमकाने के लिए, उनसे पूछो तो कुछ चमकाना चाहता है, मुझे क्या पता। हम तो, मैं तो बोल रहा हूँ, और बोल एसकेएम तो बे उनसे बोल रहा कि कोई भी हम पॉलिटिकल पार्टी के अफिलिएशन नहीं है, किसी को यहाँ आने नहीं देते, भाषण नहीं देने देते। भाषण देने वाले लोग तो पार्टी में चले गए, प्रधान बन गया, मेंबर बन गया, सदस्य बन गया, दुनिया घूम रही है। इतने बड़े देश लाइन में लग रहे हैं, इतने बड़े देश में यहाँ भी आपको हजारों मिलेंगे कि पॉलिटिकल पार्टियों के लिए वर्कर। तो जानना चाह रहा हूँ, ये वास्तव में किसान है, किसान आंदोलन के साथ है, या इसमें कुछ? ये वास्तव में देश के किसान है, देश के नागरिक है, और देश के अंदर सारी चीजें होती है, राजनीति होती है, पार्टियां होती है, चुनाव लड़े जाते हैं, वोट दी जाती है, हर कोई अधिकार है सबको। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर चुनाव लड़ सकता है, इसमें दोष क्या है, गलत क्या है? हम तो मतलब राजनीति करें तो राजनीति बड़ी गंदी चीज है, वो गंदी बनाई किसने भाई? हम तो वोट दे रहे हैं सालों से, 75 साल से वोट ही दे रहे हैं, बनाई किसने गंदी है? हमने बनाई, ये तो अटैक है। ये जिताए थे, अब तो ये किसान नहीं थे? कौन एमएलएम नहीं बने अब तक? कौन प्रधानमंत्री बने किसान? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री बने तो काम करवाए थे। और ये तो गरीब माँ का बेटा बोला चाय बेचने वाला, और अब पूंजीपतियों की बात कर रहा है, पहले चाय बेची अब देश बेच रहा है। बताओ, जिस रेल में चाय बेची उस रेल को बेच दिया, शकल देखने का 50 रुपए ले रहे ट्रेन के शकल देखने के। ये बताइए, आप टिकट 4 दिन पहले आप मुझे यहाँ पे मिले थे, मुश्किल से यहाँ पे 400 आदमी नहीं थे, आज बहुत सारे किसान हैं यहाँ पर, तो क्या यही स्थिति रहेगी? और उसने कहा था, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने एक बार कहा था कि भीड़ इकट्ठा करने से कानून वापस नहीं होते, हमने सुन ली थी बात, हो तो इसलिए हम देने कम बैठा रखे थे।
आंदोलन चल रहा था, आंदोलन चलता रहेगा और ये समाधान है, लंबे होंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि हर 16 मिनट में बेटियां रेप हो रहा है, हर 32 मिनट में किसान सुसाइड कर रहा है, हर एक घंटे में एक नौजवान युवा जिसको पकौड़ा तलने के लिए बोला गया था वो सुसाइड कर रहा है। बड़े समाधान होंगे। किसी ने कहा था कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। अंत में बता दिए जवानों से, किसानों से जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, इनसे क्या अपील करेंगे? यही अपील करूंगा भाई, जुड़ो साथ आओ। ये हाथ है, ये पांच धर्म उंगलियां, ये लकीरें जातियां हैं। और एक बाल्टी पानी की उठानी, एक उंगली से उठा दोगे ना उठेगी, दो उंगली से ना उठेगी, मुट्ठी बंद करके बाल्टी उठेगी। और बाल्टी समस्या है, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी, किसानों पर अत्याचार, महिलाओं के साथ रेप, सुरक्षा का सवाल, तो ये समस्याएं हैं। समस्याएं सब मिलकर समाधान होते हैं। तो साथ आओ, देश को बचाओ, देश के किसान को बचाओ, देश के संविधान को बचाओ। इनकलाब जिंदाबाद। लास्ट में बस माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहना है आपका? काम की बात करो मोदी जी, मन की बात को छोड़ो, काम की बात करो, देश के किसान की बात करो। वोट तो हमारे से लेनी है, आए ना लाइन पे फिर अब मेरा नाम बदल देना। किसानों के लिए नहीं है, उन्होंने कहा उपद्रवियों के लिए है। कौन से बूथ निकालो ना, आप मुझे बताइए। कोई कांड करता है, अपराध करता है, तो उसका क्या काम, उसके साथ क्या किया जाता है? उसकी तहकीकात होती है, उसकी जगह जेल में होती है। जो जो गलत काम करता है उसको जेल में डालो, एजेंसी का यूज करो, पुलिस है, कोर्ट है, सिस्टम है तुम्हारे पास। देखिए किसी ने कहा था कि रहनुमाओं की दुनिया पे फिदा है दुनिया यारो, बहकती उस दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से मारो यारो। अब तबीयत से पत्थर मारा है और अब ये समाधान निकलेंगे, लंबे लंबे बड़े बड़े समाधान होंगे। अब शुरुआत हुई है सिर्फ। स्मृति ईरानी ने बोला था जो अमेठी जीती थी, फिर कोई भी बोल सकता है समाधान क्यों नहीं करा, तबीयत से क्यों नहीं मारे पत्थर? पत्थर जीत गई थी, तो जीती थी। पत्थर मारने थे तुम, पार्टी अध्यक्ष को हराया था उन्होंने। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, तो ये पार्टीबाजी की बात नहीं है। आपने ये बोला ना कि उन्होंने बोला था, तो आपने समाधान क्यों नहीं किए? पत्थर क्यों तबीयत से नहीं मारे गरीबी को, भूखमरी को? ये तो दो दो घंटे में, 16-16 मिनट में सॉरी रेप हो रहे, सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ मैं। दो दो चार चार साल की दिल्ली कैंट में देखा नहीं, 4 साल की बच्ची का रेप हुआ? बताओ आप, हाथरस मेरे पोस्ट के साथ खड़े हो गए, ये रात में जला दिया। आपकी बहन बेटी का रेप होगा, जात में जला देंगे, आपको बताएंगे नहीं? देखो ये विषय बिल्कुल गंभीर है और इस पर मतलब बात कभी फुर्सत में करेंगे। तो काम की बात आपको अंत में करनी पड़ेगी, हमारी वोट तो चाहिए ना। हम अपनी खेती कर लेंगे, आप अपनी राजनीति कर लेना। कौन सी प्यारी है? हमें अपनी खेती प्यारी है, तो मेरी जमीनें प्यारी हैं, तो आप हमारी बात सुने और समाधान निकाले। रोटी का व्यापार न हो, हमारी समस्याओं का समाधान निकले। तुम्हें राजनीति प्यारी है, हमें जमीन प्यारी है, खेती प्यारी है, किसानी प्यारी है। आप राजनीति करें, हमें खेती करने दें। और इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ इन्होंने कहा है कि सभी किसानों से अपील की है कि वो इसके साथ रहें, आंदोलन के साथ रहें। और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील की है कि वो किसानों की समस्या का हल निकालें। हल का हल निकलेगा तभी देश चलेगा, ऐसा इनका मानना है। रोटी का व्यापार न हो, समस्या का समाधान हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।